हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम क्लास थ्री की मैथ्स वर्कशीट करेंगे, ओके? वर्कशीट नंबर 100, तो फॉर द डेट 29th अक्टूबर 2021। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकालेंगे, डेट लिखेंगे, मैथ्स वर्कशीट नंबर 100, क्लास थर्ड। इधर आपका सेक्शन ए बी सी डी, आपका जो भी सेक्शन है बेटा वो लिखेंगे, एंड जो रिलेटेड लर्निंग आउटकम है इस वर्कशीट को करने के बाद आप क्या सीख पाएंगे, मेजरिंग लेंथ यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट यूनिट, ठीक है? तो आप लेंथ जैसे किसी भी चीज़ की को नापना आप सीखेंगे, इसके बाद करने के बाद आप वो सीखेंगे, ओके? तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे, नीचे देखेंगे थम्स अप का साइन है उस पर क्लिक कर दो जल्दी से, वेरी गुड, ओके? चलिए तो बच्चों अपना इधर नाम लिखना है, इधर अपने टीचर का नाम, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़रूर। नाप डंडी का इस्तेमाल। पिछली वर्कशीट में आपने अपने कदमों का इस्तेमाल करके दूरी नापी थी। उस खेल में आपने देखा कि एक जैसी दूरी के लिए भी आपके व आपकी मम्मी या पापा के कदमों की संख्या अलग अलग आई थी। इसका अर्थ हुआ कि लंबाई नापने का यह तरीका हर व्यक्ति के पैर की लंबाई के साथ बदल जाता है, इसलिए हमें लंबाई नापने के लिए कोई ऐसी वस्तु चाहिए जिसका इस्तेमाल करने पर एक जैसी दूरी का नाप सबके लिए एक जैसा आए। बेटा आप नापने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे सभी बच्चे। हमें उम्मीद है कि आप सबके पास गणित की किताब होगी, तो बेटा अपनी अपनी मैथ्स की कॉपी ले आए जल्दी से, निकाल लेंगे सभी बच्चे। निकाली? यस, गुड। चलिए उसमें पेज नंबर 8 निकालेंगे, पेज नंबर 8 निकालना है, 8 संख्या है, 8 पृष्ठ संख्या 8, 8 पर बने चित्र की लंबाई, जैसे कि चित्र 7 के चित्र में दिखाया गया है। बेटा ऐसी पिक्चर कुछ बनी होगी, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पर, ठीक है? जितनी एक कागज़ की पट्टी बनाइए इसे हम नाप डंडी कहेंगे, ठीक है? जैसे ही साइड में इसमें एक नाप डंडी बनाई हुई है ना बेटा, आप क्या करेंगे, कागज़ का टुकड़ा लेंगे, उसको कट कर लेंगे, वो आपकी नाप डंडी है, ठीक है? सीधा सीधा कट करना है। इसी का इस्तेमाल करके अब हम वस्तुओं को नापेंगे। इस नाप डंडी का इस्तेमाल करके हमने आपकी गणित की किताब की चौड़ाई नापी है, ठीक है? आपकी बुक का क्या नाम है बच्चों? मैथ्स मैजिक, यही ऐसी ही है ना आपकी बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में देखिए, हमने किताब की एक कोने में नाप डंडी को रखा, जहाँ नाप डंडी ख़त्म हो रही है वहाँ पेंसिल से निशान लगाया गया। नाप डंडी उठाकर फिर से उसी निशान पर रखी गई है। उससे आगे पूरी नापडंडी नहीं आएगी, पर थोड़ी जगह अभी बाकी है। तो इस तरह किताब की चौड़ाई हुई 2 नापडंडी से ज़्यादा। ये देखेंगे, एक ये रेड वाली, एक 2, ठीक है? उसके बाद ये जो पोर्शन है ये बच गया, तो 2 नापडंडी से ज़्यादा है इसकी क्या चौड़ाई, ठीक है? किताब की चौड़ाई कितनी है बच्चों? 2 नापडंडी से ज़्यादा। वो डिपेंड करता है कि बेटा आपकी नापडंडी कितनी बड़ी है। आज आप नीचे लिखी हुई वस्तुओं की लंबाई नापडंडी से नापकर पता लगाइए। बेटा आपने एक नापडंडी बना ली अपनी, ठीक है? तो अब उससे आपको क्या पता लगाना है, गणित का जादू यानी कि मैथ्स मैजिक किताब की कितनी लंबाई है। ये बुक है, ठीक है? अपनी नाप डंडी इस तरह से रखेंगे, ठीक है? ये ऐसे है तो यानी कि 2.5 है ये, तो अब लिखेंगे 2 से 2 लिख सकते हैं बेटा, या फिर 3 भी लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा, ठीक है? नेक्स्ट,
फोन की लंबाई एक नापडंडी। ठीक है, अगला, पेंसिल बॉक्स की लंबाई दो नापडंडी। ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा? हाथ की लंबाई एक से ज्यादा नाप डंडी। ठीक है, नेक्स्ट, मेज की लंबाई आप कर सकते हैं, आप नाप कर लिखेंगे बेटा। मैं तो अपनी जो मैंने नाप डंडी बनाई है उसके हिसाब से लिख रही हूँ। ओके, स्कूल डायरी की लंबाई ओके, स्कूल बैग की लंबाई ठीक है, 6 नापडंडी। अगर आप चाहें तो यह काम जोड़े में भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो अपने मित्र को वीडियो कॉल कीजिए और आप दोनों ये काम नापडंडी का इस्तेमाल करके एक साथ कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चों, वेरी गुड कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करो, नीचे थम्स अप का बटन है ना उसको क्लिक कर दो जल्दी से, वेरी गुड। मम्मी पापा के लिए सुझाव है, लंबाई नापने के अलग अलग तरीके, जैसे हथेली से नापना, रस्सी से नापना के बारे में बच्चों को से बातचीत करें। COVID-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क ज़रूर पहने। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ एवरीवन, टेक केयर।